ladies and gentlemen moving on to the 46th module of Weber's view on traditional authority. As we have discussed that what happened many types authority charismatic authority, authority. traditional authority and then we that legitimate authority. When we understood these see that traditional authority. Traditional authority can be defined as the power legitimized by a respect for long established cultural pattern. अच्छा यहाँ पे मैं पहले लेजिटिमाइज को आपको क्लियर करना चाहूँ कई लोग हमें सुन रहे होंगे लीगलाइजेशन या लीगल अप्रोच वैसे मैंने आपको कहा कि ये आ, जो है वो आउटर कर्स्ट होता है आपका आउटर इन्वॉर्नमेंट होता है इसके अंदर लीगलिटी चेंज भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया बैरियर्स चेंज हो गए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज चेंज हो गई ट्रेड लीगलाइजेशन चेंज हो गई मुल्कों के साथ लोगों के तलुकत चेंज हो गए आपने देखा होगा रिसेंट टाइम के अंदर आ, अमेरिका के तल्ल चाइना के साथ तब्दील हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉस चेंज होना शुरू हो गए फिर फ्री मार्केट के अंदर ट्रेड लिबरलाइजेशन के क्लाजेस चेंज हो रही हैं मुख्तलि क्लाजेस जब चेंज हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि पावर्स भी चेंज हो सकती हैं इसी तरीके से जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन होता है या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की जा सकती हैं एक ज़माना आपको याद होगा कि पहले सदर के पास ताकत होती थी पाकिस्तान के अंदर फिर उसके अंदर ये ताकत ले ली गई कि वो असम्बली तहलील कर सकता है तो इसका मतलब है वो जो लेजिटिमेट पावर थी वो उससे ले ली गई पहले हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली उसको दी जाती थी अब उनसे सदर से ताकत ले ली गई गवर्नर किसी को किस तरीके से निकाल सकता है इसकी पावर्स जो है वो वजीर अल के पास है सदर गवर्नर के पास नहीं इसी तरीके से एच को आपने देख लिया कुछ ताकतें एच के पास है मिनिस्टर जो फॉर एजुकेशन के पास नहीं है अच्छा वो अब मुख्तलिफ़ी कई चीजें जो है वो तीन चार जगह के ऊपर जो है वो फोकस होकर हो रही है इसी तरीके से अगर मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो आपकी लीगलाइज लेजिटिमेट पावर बाय द लॉ वी मस्ट टू पावर अकॉर्डिंग टू द लॉ तो इसको हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं अच्छा ब्यूरोक्रेसी और लेजिटिमाइजेशन को भी समझ लीजिए आपस में पैरेलल हैं ब्यूरोक्रेसी का असल मकसद भी यानी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं दी जा सकती जब तक वो लेजिटिमेट ना हो अगर आप कहेंगे कि ये लेजिटिमेट ताकत नहीं है फलाने फला शख्स को कह दिया था वो रेफरेंटल पावर होगी बाज़ात पाकिस्तान के अंदर रेफरेंटल ताकत जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है यानी वो सिग्नेटरी पे भी इंफ्लुंस हो सकती है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अच्छा हमारे एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है हमारे जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो किसी चैम्बर के साथ एसोसिएट है फिर उनके बाद जो है वो सोल इटरशिप के ऊपर है फिर उनकी प्रोडक्ट जाती है फिर क्यूसी में जाती है क्वालिटी इंश्योरेंस पे जाती है क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाती है सो एंड सो फोर्थ आपके लिजिटमाइजेशन के अंदर हम आपकी क्वालिटी इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई इदारा जो है वो इस चीज़ को रखता है और वो कहता है कि आपने एक्सपोर्ट करना है किसी चीज़ को इंपोर्ट करना है तो जब तक आप उस डिपार्टमेंट की क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे वो आपको लिजिटमाइज है क्या अगर आपको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या आपको यहाँ पे बात समझ आ गई सो so, ये लॉन्ग कल्चरल पैटर्न है अच्छा अब इसको आगे देखते हैं कि होता क्या इट कम्स फ्रॉम अनरिटन रूल्स दैट आर मेंटेन्ड ओवर टाइम इंपॉर्टेंट बात है कई चीज़ें मैंने आपको जैसे कहा कि लॉ नहीं होती लॉ होता क्या है लॉ क्यों कुरान मजीद नहीं हदीस मुबारक नहीं उसका जो है वो लॉ और बनता है वो एक शरण लॉ है वो शरीयत का लॉ है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करता है उसके आगे भी जो है वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिस तरीके से आ, आ, जो है वो कवानी अरबा बन गए ठीक है हनाफा बन गए हनफिया बन गए बाकी चार और मसालिक बन गए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है इसी तरीके से अगर मैं सेट रूल्स के ऊपर बात करूँ वो अनरिटन रूल्स होते हैं मतलब किसी कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड रूल्स बना दिए अपने रंग रूल्स बना दिए कहा कि मिडिल मैनेजमेंट को लेजिटिमेसी हासिल होगी बाकियों को ये होगी तो सो so फोर्थ वो अनरिटन होते हैं लेकिन बाद में रिटर्न हो जाते हैं और वही कानून बन जाता है बाज़ात ये कहा जाता है कि हर ताकतवर का कानून अलग होता है तो आज से कोई भी ताकतवर कानून बनाना शुरू करेगा अगले सौ सदी तक कानून बन जाएगा तो ये यह साल तक लोग उधर वहां काम करते रहे अचानक से उन सबको होना पड़ गया उनको निकाल दिया गया लेकिन क्या हुआ या निकल गया या निकाल दिया उन्होंने अचानक से एक टैक्स लगा दिया नोबडी कैन चैलेंज इतना ज्यादा लगा दिया आपने इतना बड़ा टैक्स पर पर्सन भी लगा दिया पर हाउस होल्ड लगा दिया पर बिजनेस लगा दिया और कहा कि इतनी होर्डिंग भी देनी होगी तो इतने अचानक से सख्त रूल क्यों और जमीन भी नहीं खरीद सकते तो ये ऐसे रूल्स हैं जिसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते अनरिटन रूल्स होते हैं तो ये बाजूकात ये भी होती हैं कि आपके ट्रेडिशन अथॉरिटी बाजूकात ऐसा काम भी करती हैं लेट्स मूव ऑन टू द लीडर इन अथॉरिटी पीपल हु डिपेंड ऑन एस्टैब्लिश ऑर्डर और ट्रेडिशन जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज किया सो एक ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा है और उसके मुताबिक आपको चलते रहना है तो वेबर इस चीज को कहता है कि ये भी सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर के चेंज का एक बड़ा सब्जेक्ट है जब भी आपको बनना है या अगर आपको क्रिजमेटिक लीडर भी बनना है तो आपको इस ट्रेडिशनल वेव्स को और ये ट्रेडिशनल चेंज को भी तोड़ना पड़ता है तो अगली मूव के अंदर हम देखेंगे और किस्म की कितनी अथॉरिटीज है नेक्स्ट मॉड्यूल थैंक यू वेरी मच